Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology Hub. Please like, share and subscribe my channel, or also press bell icon for latest videos. Students, आज हम करने जा रहे हैं proteins. Proteins क्या है? These are the nitrogenous compound that are ubiquitous in origin. Or you can say they are found everywhere in the animal, in plant, bacteria, or you can say prokaryote or eukaryote. सभी के अंदर आपको proteins मिलेंगे क्योंकि जो body structure है that are formed by the proteins subunits. तो जो proteins हैं that contain nitrogen, hydrogen, oxygen, कार्बन, सल्फर एक्सेट्रा. ठीक है, तो जो प्रोटीन है वो किन से बने होते हैं? आपकी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, आयरन है. ठीक है, तो इनके कंपोनेंट से आपके प्रोटीन बने होते हैं. तो जो प्रोटीन है दे कैन फाउंड एवरीवेयर, और यू कैन से दे आर यूबिक्यूटस इन ओरिजन और यूबिक्यूटस नेचर में होते हैं. मतलब हर एक जगह पर आपके प्रोकैरियोट्स या फिर यूकैरियोट्स आप किसी में भी ले सकते हो, चाहे आप प्लांट ले रहे हो, एनिमल ले रहे हो, वायरसेस ले रहे हो, बैक्टीरिया ले रहे हो, सबके अंदर प्रोटीन मिलते हैं. तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं ये. ठीक है, तो जो प्रोटीन्स हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द अमीनो एसिड्स और यू कैन से द सब यूनिट और द स्मॉल यूनिट्स of the protein that is known as amino acid. छोटी छोटी सब यूनिट्स होती हैं अमीनो एसिड्स की जो मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करती हैं, एंड दैट पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म में लार्ज प्रोटीन पोर्शन. ठीक है, तो लार्ज प्रोटीन की सिंथेसिस करती है पॉलीपेप्टाइड चेन दैट आर फॉर्म्ड बाय द अमीनो एसिड्स. तो जो अमीनो एसिड्स हैं उनको किस प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है, कहाँ पे करनी है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होगा, कैसे ट्रांसफर होगा, दीज ऑल द इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट इन द डीएनए. ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कब, कहाँ, कैसे, किस प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, कौन सी अमीनो एसिड्स हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व होंगी. तो जो प्रोटीन्स हैं, जैसे ये बताया कि अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो आपकी टोटल 20 अमीनो एसिड्स होती हैं जो असेंशियल अमीनो एसिड्स जिनको हम बोलते हैं, असेंशियल अमीनो एसिड यानी कि जो प्रोटीन सिंथेसिस में परफॉर्म करती हैं. तो 20 आपके अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होंगी. तो वो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनके कितनी सब यूनिट और किस तरह से उनके अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पे जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होगी. ठीक है, कि कौन सा प्रोटीन है, किस तरह का प्रोटीन है, वो किस पे डिपेंड करेगा, जो अमीनो एसिड्स कितने नंबर में या फिर कौन सी अमीनो एसिड उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है सिंथेसिस में, तो उसके बेसिस पे आप प्रोटीन को डिफाइन करोगे. ठीक है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपके मेन फोर स्टेप्स होते हैं, फोर स्टेप इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर. ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहले जो आता है दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन. सेकेंड वन दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. थर्ड वन इज द राइबोसोमल टेम्पलेट एंड फोर्थ वन इज द ट्रांसलेशन. तो जो प्रोटीन सिंथेसिस है दैट इज एक्चुअली नोन एज ट्रांसलेशन. ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट इज द एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. ठीक है, प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन. तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट होने के लिए आपके चार स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है जिसमें मैसेंजर आरएनए है उसकी फॉर्मेशन होगी, जो डीएनए है वो
एज ए टेम्पलेट स्टैंड वर्कआउट करेगा, ठीक है, और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करेगा. एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, जो मैसेंजर आरएनए है वो इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा और ट्रांसफर आरएनए के थ्रू जो अमीनो एसिड्स हैं उनको कैरी करके जहाँ पे सिंथेसिस होनी है प्रोटीन की वहाँ तक उसको ट्रांसफर करने का काम करेगा. राइबोसोमल टेम्पलेट का मतलब है जो राइबोसोम्स है दैट आर द फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वहाँ तक ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, अमीनो एसिड को कैरी करेगा, ठीक है, और वहाँ पे ले जाके जो आरएनए सरफेस है उसके साथ अटैच करने का काम करता है. तो जो आरएनए है वो एज ए सॉरी राइबोसोम्स है वो टेम्पलेट स्टैंड की तरह से काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो अमीनो एसिड है उनको उनको एब्जॉर्ब करेंगे और यू कैन से उनको टेक ऑफ करेंगे, ठीक है. देन ट्रांसलेशन, जो अमीनो एसिड्स हैं वो राइबोसोम के अंदर एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी एंड दैट पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द अमीनो ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ सेकेंड एसिड, ठीक है. तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप दोनों अटैच होके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं. तो दो आपकी न्यूक्लियो जो अमीनो एसिड्स हैं वो अटैच हो जाएंगी पेप्टाइड चेन से, तो पॉलीपेप्टाइडिक चेन बनेगी राइबोसोम्स के अंदर. तो उस प्रोसेस को जहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन प्रोसेस, ओके. तो वन बाय वन हम ये चारों प्रोसेस करेंगे. फर्स्ट हम लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जैसे जो प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है दैट इज इन द डीएनए, ठीक है. डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, कहाँ पे बनना है, किस पर्पस के लिए बनना है. तो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है एंड दिस इंफॉर्मेशन इन द डीएनए इज इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, ठीक है. कोडोन या न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, ठीक है, थ्री न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जिसको हम कोडोन बोलते हैं इसकी फॉर्म में होती है एंड दैट इज प्रेजेंट ऑन इन जीन, ठीक है. जीन द यूनिट दैट कैरी आउट द कोडोन, ठीक है. तो जो साइट है डीएनए की जिसपे कोडोन प्रेजेंट होंगे, जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं उस साइट को हम क्या बोलेंगे, जीन. तो डीएनए के अंदर जो जीन प्रेजेंट है उनमें आपकी न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस होती है जिसको कोडोन बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करती है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप स्टैंड ले रहे हो डीएनए का, तो डीएनए क्या है आपका, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है. तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है मोस्ट ऑफ, जैसे अगर आप ले रहे हो तो एक जो स्टैंड होता है वो 5' टू 3' होगा, दूसरा आपका 3' टू 5' होगा, ठीक है. तो जो मैसेंजर आरएनए है, फर्स्ट जो डीएनए है ये आपका क्या है, डीएनए. तो डीएनए से फर्स्ट आपकी बनेगी मैसेंजर आरएनए, ठीक है. मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होनी है तो जो मैसेंजर आरएनए है दैट फॉर्म्ड इनटू 5' टू 3' एंड, ठीक है, 5' टू 3' एंड डायरेक्शन के अंदर जो मैसेंजर आरएनए है उसकी फॉर्मेशन होगी. इट मीन्स जो आपका 3' टू 5' एंड होगा डीएनए का, ये जो स्टैंड है जिस जो आपका 3' टू 5' एंड है ये एज ए टेम्पलेट स्टैंड वर्कआउट करेगा, ठीक है. तो जैसे यहां आप ले रहे हो टी जी सी ए टी सी सी जी, ठीक है, ये आपने सीक्वेंस ले ली. तो इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड यहां पे आपका क्या आ जाएगा, इसके कंप्लीमेंट्री लोगे ए सी जी टी ए जी जी सी, ये इसका कंप्लीमेंट्री स्टैंड हो गया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, दोनों जो डीएनए के स्टैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे. तो एक जो स्टैंड होगा वो टेम्पलेट की तरह से काम नहीं करेगा, जो 3' टू 5' एंड होगा वो एज ए टेम्पलेट फंक्शन करेगा, ठीक है. तो ये जो स्टैंड है ये टेम्पलेट की तरह से काम करेगा और इसके कंप्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा आरएनए का, ठीक है, दैट इज 5' टू 3', ठीक है, 5' टू 3' की डायरेक्शन में
मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो इसके कंप्लीमेंट्री बनेगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, ए है, लेकिन इसके अपोजिट क्या आना चाहिए आपका, टी, थायमिन आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप ले रहे हो क्या आरएनए, टी किसके अंदर, थायमिन किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर। तो आरएनए जब आप लोगे तो थायमिन की जगह आ जाएगा आपका यूरासिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका यू, सी की जगह आपका जी, सी ए, यू सी सी जी, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपका जी होता है, जी ये इन्वर्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है, इन्वर्टेड फॉर्म में होगा। और जो जैसे थर्ड प्राइम जॉइंट बनता है, ठीक है, ये तो जैसे आपको जनरल कंप्लीमेंट्री बना के दिखाया, लेकिन एक्चुअल में जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसके अंदर क्या होगा, थर्ड प्राइम जो एंड होता है उसके उस पे आपकी पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। पॉली ए टेल यानी कि एडेनिन की एक लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है। जो फाइव प्राइम एंड होगा उसके ऊपर ग्वानिन, जो मिथाइलेटेड ग्वानिन है उसकी कैप लगी होती है, ठीक है। फाइव प्राइम पे क्या होगी आपकी, मिथाइलेटेड ग्वानिन, ठीक है, मिथाइलेटेड ग्वानिन प्रेजेंट होगा फाइव प्राइम एंड पे, जो एज ए कैप फंक्शन करेगा। और जो थर्ड प्राइम एंड है उस पे आपकी पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है, एक लंबी सीक्वेंस चेन बनी होती है एडेनिन की, ओके। सो दिस इज द मैसेंजर आरएनए दैट आर फॉर्मड बाय द डीएनए टेम्पलेट स्टैंड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ऐसा एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जो डीएनए स्ट्रैंड पे डिपेंड है, यानी कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में जो डीएनए स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट की तरह से फंक्शन करेगा और मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करता है। तो जब मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके बाद जो डीएनए के स्ट्रैंड है वो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, और कॉइलिंग स्टेज में आ जाएंगे, बाउंडेड फॉर्म में आ जाएंगे। और जो मैसेंजर आरएनए है वो फर्दर इंफॉर्मेशन कैरी करेगा, ठीक है, डीएनए से जो इंफॉर्मेशन आ रही है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स एंड न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस, इसके फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन आई मैसेंजर आरएनए में वो उसको ट्रांसफर करेगा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अब अगर आप प्रोकैरियोट्स में ले रहे हो तो प्रोकैरियोट्स के अंदर शॉर्ट सीक्वेंसेस बनती हैं, ठीक है, शॉर्ट सीक्वेंसेस। और शॉर्ट आपका जैसे जो प्रोटीन सॉरी मैसेंजर आरएनए है, एक सिंगल मैसेंजर आरएनए है वो मल्टीपल प्रोटीन के लिए फंक्शन करता है, मीन्स पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन शो करता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक का मतलब है जो एक ही मैसेंजर आरएनए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन कैरी करे, ठीक है। लेकिन अगर आप यूकैरियोट्स में ले रहे हो तो यूकैरियोट्स के अंदर आपके 100 टू 200 मैसेंजर आरएनए की, मतलब नंबर ऑफ मैसेंजर आरएनए और नंबर ऑफ ट्रांसफर आरएनए की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो क्या करेंगे, जो ये आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है इसके फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसको कैरी करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, बेसिस के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन कैरी कौन कर रहा है, मैसेंजर आरएनए। लेकिन एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम, ट्रांसफर करने का काम होता है आपका ट्रांसफर आरएनए का, ठीक है, टीआरएनए का। तो फर्स्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, जिसके अंदर जो डीएनए है वो एज ए टेम्पलेट काम करेगा और अपना जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, दैट इज द मैसेंजर आरएनए दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ कोडोन और न्यूक्लियोटाइड्स, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। देन सेकेंड स्टेप दैट इज अमीनो एसिड एक्टिवेशन, ठीक है। जो अमीनो एसिड एक्टिवेशन है ये साइटोसोल के अंदर होता है, जो सेकेंड स्टेप है अमीनो एसिड
एक्टिवेशन। तो ये किसके अंदर होगा? साइटोसोल के अंदर। ठीक है, साइटोसोल के अंदर अमीनो एसिड एक्टिवेशन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे जो ट्रांसफर आरएनए है, आपको पहले जैसे स्ट्रक्चर बताई थी, जो ट्रांसफर आरएनए है उसके अंदर आपके लूप बने होते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तो इस तरह से आपके स्ट्रक्चर थी, सी सी ए ओ एच, यहाँ पे आपका जी एंड था, ठीक है, और इधर आपका लूप बना हुआ था फर्स्ट, देन इधर आपका एक लूप था, और यहां पे नीचे की तरफ आके आपका सेकेंड लूप था, ये सेकेंड लूप है, ये आपका थर्ड लूप है, ठीक है, सॉरी ये आपका फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट ये आपका होता है जो ये स्टैंड कैरी कर रहा है, थर्ड और ये आपका फोर्थ लूप, ठीक है। एक्चुअल में आपके थ्री लूप होते हैं, 1 2 3, लेकिन अगर आप स्टैंड्स के अकॉर्डिंग, अगर स्टेम के अकॉर्डिंग ले रहे हो तो आपके फोर, आपके जो स्टेम है, स्टेम स्ट्रक्चर, ये फोर प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जो फोर स्टेम है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा रब करके इधर बना देती हूँ। जैसे अगर आप ट्रांसफर आरएनए ले रहे हो, सॉरी हाँ ट्रांसफर आरएनए, तो यहाँ पे आपकी जी सी सी ए ओ एच ये सीक्वेंस होती है, ठीक है, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा, जी सी सी ए ओ एच, इधर आ जाएगा एक लूप आपका, एक नीचे की तरफ, ठीक है। तो जो फर्स्ट होता है आपका, ये होता है अमीनो एसिड, अमीनो एसिड कैरिंग लूप, कैरिंग स्टेम बोल सकते हो आप, क्योंकि ये स्टेम स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जो आपका ये लूप है, ठीक है, इसको आप नाम दो, फर्स्ट सेकंड या ना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपका लूप स्ट्रक्चर है, ठीक है। फर्स्ट आपका ये लूप बनेगा, तो ये होता आपका टी फाइव सी लूप, ठीक है। सेकंड आपका जो लूप होता है, दैट इज एंटी कोडोन लूप, एंड ये आपका थर्ड लूप होता है, ठीक है, जो आपका डी एच यू लूप होता है, ठीक है, डी एच यू लूप। तो ये आपकी जनरल स्ट्रक्चर बताई थी ट्रांसफर आरएनए की। तो जो अमीनो एसिड एक्टिवेशन है, अमीनो एसिड एक्टिवेशन में क्या होगा, अमीनो एसिड जो होगी वो ट्रांसफर आरएनए के जो ये वाली सीक्वेंस आपका थर्ड प्राइम एंड, ये आपका फाइव प्राइम एंड होता है, ये थर्ड प्राइम एंड होता है, तो थर्ड प्राइम एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, इस पोजीशन पे अमीनो एसिड है वो अटैच हो जाएगी ट्रांसफर आरएनए के साथ में। अब जो ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, अमीनो एसिड को जो कैरी करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे यूकैरियोट्स में जो आप ले रहे हो तो वो मल्टीपल नंबर्स में बनते हैं, मिनिमम आपके 20 होंगे, मैक्सिमम आपके कितने भी बन सकते हैं, ठीक है। अब 200 भी आपके ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 20 तो होने ही चाहिए, क्योंकि 20 अमीनो एसिड्स आप ले रहे हो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो आपके मैक्सिमम आपके 100 200 300 भी ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट होते हैं। तो एक सिंगल जो ट्रांसफर आरएनए होगा वो क्या करेगा, एक सिंगल अमीनो एसिड को ट्रांसफर करेगा, ठीक है, वो किसी और अमीनो एसिड के लिए फंक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स के अंदर देखते हो तो उसमें क्या है, आपका एक ही ट्रांसफर आरएनए मल्टीपल जो अमीनो एसिड है उनको ट्रांसफर करता है, ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है। लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर आपकी मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है, जिसमें एक सिंगल ट्रांसफर आरएनए एक सिंगल अमीनो एसिड को कैरी करेगा, ठीक है। तो जो थर्ड प्राइम एंड है, थर्ड प्राइम एंड पे अमीनो एसिड अटैच हो जाएगी,
ठीक है, एडिनाइन जो है एडिनाइल ग्रुप, तो ये अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा। तो अमीनो एसिड प्लस एडिनाइल ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, प्लस एंजाइम प्लस एटीपी, ठीक है, एटीपी और एंजाइम की प्रेजेंस में जो ट्रांसफर आरएनए का एडिनाइल थर्ड प्राइम एंड है वो अमीनो एसिड के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा अमीनो एडेनाइल ट्रांसफर आरएनए प्लस एंजाइम प्लस एएमए, ठीक है, जो फोस्फोरिक निसेंट फोस्फोरस है वो आपका जो बॉन्ड है ट्रांसफर आरएनए और अमीनो एसिड का जो बॉन्ड है उस बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां से एटीपी से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो ये एएमपी के अंदर कन्वर्ट हो गया। एंजाइम आपका रिमूव हो जाएगा आफ्टर द प्रोसेस, तो जो अमीनो एसिड है और ट्रांसफर आरएनए है उसका आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिस इज नोन एज द एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि एक्टिवेशन का मतलब जो अमीनो एसिड है वो ट्रांसफर आरएनए के थर्ड प्राइम के साथ अटैच होना, ठीक है, सो एक्टिवेशन ऑफ द अमीनो एसिड, दिस इज द सेकेंड स्टेप इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आफ्टर दिस देर इज टू स्टेप रिमेनिंग, राइबोसोमल टेम्पलेट एंड देन ट्रांसलेशन प्रोसेस दैट वी कैरी इट ऑन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।